नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश प्रमाणीकरण, केंद्रीय समिति व संसदीय दल मध्य एगो में 20% मत आवश्यक। अफगानिस्तान से कुवैत पुगावल थप नेपाली आज नेपाल आ रहा, भारतीय नेपाली के भारतीय दूतावास के जिम्मा लगाओ जाए। सप्तरी के रीता खोला के तटबंध भस्कल, तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका के 150 से ज्यादा घर डुबाने। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी कतार से अफगानिस्तान लौट रहे, समर्थक सब नाराबाजी सहित स्वागत। बायर्न म्यूनिख जीतलक जर्मन सुपर कप के उपाधि, बोरुसिया डॉर्टमुंड 3-1 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश प्रमाणीकरण कैले बानी। मंगल के बैठल मंत्रिपरिषद बैठक से राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश जारी करे खातिर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करे के निर्णय कैले रहे। नेपाल के संविधान के धारा 114 की उपधारा 1 बमोजिम सरकार की सिफारिश में राष्ट्रपति भंडारी से अध्यादेश जारी करे के उल्लेख बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के मंगल के मंत्रिपरिषद के बैठक रह के पार्टी केंद्रीय समिति व संसदीय दल मध्य एगो में 20% मत पुगावला पर दल विभाजन करे के सके के व्यवस्था सहित के राजनीतिक दल संबंधी ऐन संशोधन करे के निर्णय करौले रहने। इससे पहले 40% संसद और केंद्रीय सदस्य पुगला मर दल विभाजन कर सके के उल्लेख रहे। दल विभाजन के करावे खातिर अध्यादेश लियावला पर देउवा सरकार के चौतरफी शिकायत हो रहा बा। इससे पहले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व के सरकार भी ऐसन के अध्यादेश लियावला पर ओकर भी शिकायत भइल रहे, जेकरा बाद अध्यादेश फिरता भइल रहे। अफगानिस्तान से उदार करके कुवैत पुगल थप नेपाली सब आज रात के नेपाल आ पहुँचे के भइल बाटे। चार्टर विमान से काठमांडू लियावे लागल उ सबके भारतीय और नेपाली समेत करके 129 जने रहल बाटे। कालू राति भी 84 जने नेपाली काठमांडू आ पहुँचल बाटे। नेपाल आ पहुँचल सबके आवश्यक प्रक्रिया पूरा करके CCMC के समन्वय में सामाखुशी स्थित होल्डिंग सेंटर में राखल गइल बाटे। भारतीय नागरिक के कोरोना परीक्षण लगायत प्रक्रिया पूरा करके भारतीय दूतावास के जिम्मा लगावल के बतावल गइल बाटे। इन्हें परराष्ट्र मंत्रालय मंगल के सांस तक ले अफगानिस्तान में रहल 256 जने नेपाली के कंसुलर सेवा विभाग के वेब पोर्टल में घर लौटल के खातिर अपन विवरण दर्ता करे खातिर जनौले बा। मंत्रालय वहाँ रहल और संपर्क में आयल मध्य कुछ नेपाली नागरिक अफगानिस्तान के पिछलका अवस्था आकलन करके अपन नियमित काम में लौटल भी परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। इससे पहले ही 2 चार्टर फ्लाइट में 214 जने नेपाली काठमांडू आ पहुँचल बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के CEO कुलमान घिसिंग के नियुक्ति खारिज करे के मांग कैल रिट के सुनवाई आज होखे के भइल बाटे। इससे पहिलका कार्यकारी निर्देशक हितेंद्र देव साक्य से दायर कैल रिट के सुनवाई के खातिर सर्वोच्च न्यायाधीश रिग्मी के एकल इजलास में पठौले बाटे। रिट में कुलमान के नियुक्ति करे के निर्णय असंवैधानिक भइला से मंत्रिपरिषद के निर्णय खारिज करके साक्य के फेरू नियुक्ति करे खातिर अंतरिम आदेश मांग कैल गइल बा। साक्य से राजीनामा भी ना देहल और कोनो भी स्पष्टीकरण समेत ना पूछल अवस्था में अपना सब विद्युतीय प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक में ही रहल उनकर जिक्र बाटे। मंत्रिपरिषद से निर्णय साक्य के हटा के घिसिंग के नियुक्त कैले रहे। इस एकरा विरुद्ध साक्य सुमार के सर्वोच्च पुगल रहनी। रिट में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय लगायत के विपक्षी बनाल गई बा। विश्व संपदा सूची में सूचीकृत ललितपुर महानगरपालिका 16 स्थित ऐतिहासिक पाटन दरबार परिसर में बिना मास्क प्रवेश निषेध कैल गेल बा। महानगरपालिका पाटन दरबार परिसर में भीड़ होके के जनावत मंगर से बिना मास्क प्रवेश निषेध कैल बा। पाटन दरबार घुसे वाला 3 स्थान में बिना मास्क प्रवेश निषेध के जनचेतनामूलक बोर्ड राखे के साथे गरीब तथा वृद्ध वृद्धा के मास्क और सैनिटाइजर समेत वितरण कैल गेल महानगर जनौले बा। मास्क न लगावल व्यक्ति के बोला के कोरोना के ख्याल करे के और जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना करे के सुझाव देहल जा रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। भारी वर्षा संगे गैल राती मेलमची नदी में आयल बाढ़ से थप 3 घर धोवाइले बा। मेलमची नगरपालिका वार्ड नंबर 6
नेपानी बगर के तीन घर बगावल, स्थानीय भीमसेन थापा जानकारी देने। वहाँ के मुताबिक बाढ़ से स्थानीय वासी कृष्ण बहादुर, भोज बहादुर और दीपेश थापा के घर धवावल बा। थप घर और रास्ता समेत जोखिम में रहल उनकर कहना बाटे। धवावल घर ऐसे पहले बाढ़ी से जोखिम में रहल और सामान तथा आदमी अनंत्र पठावल। जिला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेत जानकारी देने। बीतल साउन 16 के बाद में बाढ़ से अभी तक ले 111 घर टहरा धवा चुकल बा। बीतल 1.5 गते साउन 16 गते बाद के निरंतर के बाढ़ से 5 जने के अकाल में मृत्यु भइल बाटे त 6 जने घायल और 20 जने बेपत्ता बाटे। मेलमची नदी तटीय क्षेत्र के सहयोग घर खेत पुल और सड़क जोखिम में रहल बा। आवेला 2 महीना भीतर मोबाइल प्रयोगकर्ता सब अनिवार्य रूप में अपन मोबाइल के IMEI दर्ता करे पड़े के भइल बाटे। अवैध मोबाइल नियंत्रण के खातिर सरकार कानून में लियावला तैयारी कैल मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS के प्रयोग के व्यवस्थित करे खातिर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना के संयोजकत्व में बैठल बैठक से ऐसा निर्णय कैलक हुए। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, भन्सार विभाग आ मोबाइल आयातकर्ता संघ के प्रतिनिधि समेत रहल उ बैठक में 2 महीना भीतर मोबाइल दर्ता करावे खातिर प्रयोगकर्ता के SMS पठाओ के निर्णय भी कैले बा। टोकल समय सीमा भीतर मोबाइल दर्ता ना होई त वैसन मोबाइल में सिम कार्ड प्रयोग करे के ना मिले के बतावल गेल बाटे। बैठक आयातित मोबाइल के तथ्यांक राखे खातिर 2-15 गते भीतर MDMS के सर्वर राखे के निर्णय भी कैले बा। विदेश से लियाल मोबाइल उ प्रणाली में दर्ता कराओ के परी नेपाल भीतर भैट तीर के खरीद कैल मोबाइल प्रयोगकर्ता के दर्ता कराओ के ना परी। जीता खोला के तटबंध भसकला से सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी गाँव पालिका के 150 से ज्यादा घर डुबान में पड़ल बा। वार्ड नंबर 7 के मानसापुर, 4 के तिलाठी और वार्ड नंबर 5 के बरसाइन तथा कुशवाहा 150 से ज्यादा घर डुबान में पड़ल। सप्तरी प्रहरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफले जानकारी देने। मंगर के सवेरे से ही खोला में पानी के बहाव उच्च भैला संगे ही तटबंध भसकल। खोला के पानी बस्ती तरफ आयल बताओल गई बा। पानी तो एक्कासी आई सको, टाल पनि यता गिरी सको। अहिले तपाईको जुन छ नि घटनास्थलमा हामी उपस्थित छु। अहिले यता यतापट्टिको तपाईको घरमा पानी छ, चामल सामल सार्दै छु अर्को ठाउँमा। अर्को सर्वसाधारण स्थानीय सरकारके बस्ती डुबान हुके नदेउके मजबूत तटबन्ध निर्माण गरेको परेके बताउले बा। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में खुलास भए अरु किन खोज्ने। अमेरिका अफगानिस्तान केन्द्रीय बैंक के करीब 9.5 बिलियन अर्थात 11 खरब 28 अरब नेपाली रुपया से ज्यादा रकम के संपत्ति फ्रिज कैले बा। तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता कब्जा कैले बाद अमेरिका बैंक में रहल रकम फ्रीज करे के साथे मुद्रा सीसमेंट भी रोके के निर्णय कैलक हुए। रकम रोका कैला संगे ही अब तालिबान ओकर प्रयोग करे के ना मिली। अमेरिकी अधिकारी सब के मुताबिक अमेरिका में रहल केंद्रीय बैंक के संपत्ति और रकम तालिबान के खातिर उपलब्ध ना होके 11 खरब 28 अरब से ज्यादा मूल्य के संपत्ति अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के स्कैंसल लिस्ट में रखल गेल बाटे। इससे पहले केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजमल अहमद अफगानी मुद्रा के मूल्य अभी तक के ही कम पुगल और डॉलर के सीसमेंट बंद भइल उल्लेख कैले रहलन। अहमदी एतवार के ही काबुल छोड़ ले रहलन। फ्रीज कैल अफगानी केंद्रीय बैंक के रकम न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व और अमेरिका स्थित अन्य वित्तीय संस्था में रखल गेल बाटे। अफगानी केंद्रीय बैंक के अधिकांश संपत्ति अफगानिस्तान बाहर रहल बताओल गेल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी बरादर कतार से अफगानिस्तान लौटल बाड़न। कतार के दोहा में बीतल कुछ महीना से रहल वहां के कंदहार पुगल बाड़न। बरादर कंदहार विमानस्थल से गाड़ी में बाहरल समय समर्थक सब नाराबाजी सहित उनकर स्वागत कैल वीडियो सामाजिक संजाल में साझा कैल गेल बा।
कतार में रहल वहाँ के अमेरिकी सैन्य के फिरती प्रक्रिया के लेके अमेरिका से वार्ता कैले रहलन। तालिबान बीतल एतवार के काबुल नियंत्रण में लेला बाद वहाँ लगायत अफगानिस्तान के नेतृत्व के खातिर लौटल हवन। कंदाहार के तालिबान के धार्मिक जन्मस्थल मानल जाला। 20 बरस पहले अमेरिका नेतृत्व के सैन्य अभियान सत्ता से हटाव से पहले कंदाहार तालिबान के महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र रहे। ये बीच तालिबान इस्लामिक कानून में भी अफगानिस्तान में महिला सब के अधिकार सुरक्षित करे के बतौले बाटे। इस्लामिक कानून के फ्रेमवर्क में रह के अफगान महिला सब सम्मान करे के तालिबान जनौले बा। बेलायत सरकार 20,000 अफगानी शरणार्थी के शरण देवे के भइल बाटे। तालिबान अफगानिस्तान के अपन कब्जा में लेला संगे बेलायत ऐसे निर्णय कैले बीबीसी जनौले बा। अभी लियावल गई योजना मुताबिक 20,000 अफगानी नागरिक के आवेला दिन में बेलायत में बसबास के अनुमति देवे के बतावल गई बा। पहिलका बरस 5,000 बेलायत में बसबास के अनुमति मिली, जेमें महिला बाल बालिका और समस्या में पड़ल आदमी के प्राथमिकता में राखल गई बा। बेलायत के गृह मंत्रालय अन्य मुलुक से भी सहयोग करे खातिर अपील कैल समाचार में जनावल गई बाटे। विपक्षी पार्टी सब ई योजना पर्याप्त ना भइल कहत सरकार के आलोचना कैले बा। ई योजना से अफगानिस्तान के 5,000 आदमी और उसब के परिवार लाभान्वित हो सके के बतावल गई बा। बुध के बेलायत के संसद में अफगानिस्तान मुद्दा बारे छलफल के खातिर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बुलावल गई रहे। अब खेलकूद समाचार। बायर्न म्यूनिख जर्मन सुपर कप के उपाधि जीतले बाटे। मंगल के रात भइल फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड के 3-1 अंतर से हरावत बायर्न उपाधि हाथ पर लख। बायर्न के उपाधि दिलाव खातिर रॉबर्ट लेवांडोस्की 2 गोल कैले रहलन। खेल के 41वां मिनट में लेवांडोस्की गोल करत बायर्न के शुरुआती अग्रता दिलावले रहलन। खेल के 49-50 मिनट में मुलर गोल करत बायर्न के अग्रता 2-0 के बनौलन। 64वां मिनट में डॉर्टमुंड के रियूस गोल करत खेल 2-1 के स्थिति में लायल रहलन। ओकरा बाद खेल के 74वां मिनट में लेवांडोस्की व्यक्तिगत दोसरका गोल करत बायर्न के 3-1 के जीत दिलौलन। बायर्न 8वां बेर सुपर कप के उपाधि जीतलक हुए। जर्मन सुपर कप के उपाधि के खातिर बुंडेसलीगा चैंपियन और जर्मन कप विजेता प्रतिस्पर्धा करे के नियम रहल बाटे। बायर्न बुंडेसलीगा जीतल बाटे त डॉर्टमुंड जर्मन कप जीतले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फेर एक बेर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश प्रमाणीकरण केंद्रीय समिति वा संसदीय दल मध्य एगो में 20% मत आवश्यक। अफगानिस्तान से कुवैत पुगावल थप नेपाली आज नेपाल आ रहा भारतीय आ नेपाली के भारतीय दूतावास के जिम्मा लगावल जाए। सप्तरी के जीता खोला के तटबंध भस्कल तिलाठी कोइलाड़ी गाँव पालिका के 150 से ज्यादा घर डुबाने। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी कतार से अफगानिस्तान लौटलन। समर्थक सब नाराबाजी से स्वागत कल। बायर्न म्यूनिख जीतलक जर्मन सुपर कप के उपाधि बोरुसिया डॉर्टमुंड 3-1 अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।